हेलो गाइस, स्वागत है आपका हीरो स्प्लेंडर की कंप्लीट सर्विसिंग की सीरीज के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हम करने वाले हैं इसका ऑयल चेंज। साथ ही साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। इसमें बेसिकली 10W30 ग्रेड का इंजन ऑयल डलता है हीरो के अकॉर्डिंग, और हम इसमें 10W40 ग्रेड का जो इंजन ऑयल है वो ट्राई करने वाले हैं, मोतुल 10W40, और देखेंगे कि उसके बाद में जो फर्स्ट इंप्रेशन वाले रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं, और लॉन्ग टर्म का जो फीडबैक है वो आपको बाद में किसी और वीडियो में मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन करने से, बट ड्रेन करने से पहले आप बाइक उसको थोड़ा सा चला लें, जिससे कि इंजन है वो वार्म अप हो जाए और इंजन ऑयल है वो थोड़ा गर्म हो जाए। तो क्या है कि इंजन ऑयल थोड़ा जल्दी निकलेगा और थोड़ा सा ज्यादा भी निकलेगा। सो वार्म अप की प्रोसेस है वो मैं कर चुका हूं, अभी जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑयल की डिपस्टिक है उसको लूज कर लेते हैं ऑल द वे, और अभी ये वाला जो बोल्ट है 17mm का, इसको लूज करेंगे। उसके बाद इसके नीचे एक ड्रेन पैन को प्लेस करेंगे, एंड उसके बाद ये जो बोल्ट है इसको ऑल द वे रिमूव कर लेंगे। और जब इंजन ऑयल है वो पूरा ड्रेन हो जाए, तब उसके बाद में आपको जो ड्रेन बोल्ट है उसको अच्छे से क्लीन करना है। इसका ये जो क्रश वॉशर है इसको रिप्लेस करना है, एंड जहाँ पर ये जो बोल्ट हम लगाने वाले हैं उस वाले सेक्शन को भी अच्छे से कपड़े की हेल्प से क्लीन कर लेना है, एंड उसके बाद जो बोल्ट है उसको फिर से लगा करके टाइट करना है। और इसको टाइट करते टाइम एक चीज़ माइंड में रखनी है, वो ये कि ये स्टेनलेस स्टील का बोल्ट है और इसको हम एल्यूमिनियम में लगा रहे हैं, तो इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अदरवाइज़ जो थ्रेड्स हैं वो स्ट्रिप हो जाएंगे। उसके बाद जो डिपस्टिक है उसको ऑल द वे रिमूव कर लेते हैं। और अभी ऑयल फिल करने के लिए नई वाली स्प्लेंडर में आपको ये वाला जो सेक्शन है इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा आसान रहेगा ऑयल फिल करना। तो एक बार इसको भी हटा लेते हैं। अभी यहाँ पर एक फनल प्लेस करते हैं, और ऑयल जैसा कि मैंने पहले बताया जो 10W40 है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 1 लीटर की पैकेजिंग में आता है, बट जो BS6 स्प्लेंडर है उसमें यूज़र मैनुअल के अकॉर्डिंग जब आप RH कवर नहीं ओपन करते हैं तब आपको इंजन ऑयल है वो ड्रेन करने के बाद 0.85 यानी कि 850 ml ऑयल है वो पोर करना है। तो इसमें मार्किंग्स वगैरह बनी हुई हैं, तो इसमें मैं एग्जैक्टली 850 ml ऑयल पोर करूंगा, एंड उसके बाद इसको एक बार चला करके फिर से ऑयल लेवल चेक करेंगे। अगर सही होगा तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ी और ज़रूरत होगी तो और पोर कर देंगे। और अभी जो ऑयल डिपस्टिक है उसकी जो रबर रिंग है उसको रिमूव करते हैं, बिकॉज इसको हमें रिप्लेस करना है। एंड उसके बाद जो डिपस्टिक है उसको लगा करके हैंड टाइट कर देंगे, और बस इसी के साथ जो इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट की प्रोसेस है वो होती है कंप्लीट। अभी जस्ट 1 या 2 किलोमीटर्स के लिए इसको राइड करना है, एंड उसके बाद जो ऑयल लेवल है उसको एक बार फिर से चेक करना है, जिससे कि कन्फर्मेशन हो जाए कि जो इंजन ऑयल है वो प्रॉपर क्वांटिटी में हमने फिल कर दिया है। और जब आप ऑयल लेवल चेक करें तब बाइक मैन स्टैंड के ऊपर पार्क होनी चाहिए और थोड़ा सा इंजन को कूल डाउन होने दें, दैट्स इट। और अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है इंजन ऑयल की जो ग्रेड है वो चेंज करके, साथ ही साथ जो वेंडर है वो भी चेंज किया है, उसका क्या फीडबैक है। सो अभी इसको मैंने 2 किलोमीटर हार्डली चलाया है, मैक्स टू मैक्स 3 किलोमीटर चलाया है, एंड इनिशियल इंप्रेशंस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, बट अभी उनको मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जो इंजन ऑयल वैसे भी अपन रिप्लेस करते हैं तब बाइक इनिशियली शुरुआत में तो स्मूथ ही चलती है, तो इसलिए वेट करेंगे अगली सर्विस तक का। एंड नेक्स्ट जो सर्विस होगी उसके अंदर बताऊँगा डिटेल में कि ये जो इंजन ऑयल चेंज करना, मतलब जो ग्रेड है वो शिफ्ट करना और जो ब्रांड है वो शिफ्ट करना वर्थ है या नहीं, बिकॉज नॉर्मल हीरो का इंजन ऑयल अभी की जो प्राइसिंग है उसके अकॉर्डिंग 325 rupees का आता है 900 ml, और जो मोतुल वाला इंजन ऑयल है वो अराउंड 800 या 850 रुपीज़ के समथिंग आता है। सो ऑलमोस्ट 2 times से भी ज़्यादा हो रही है प्राइसिंग, तो वो वर्थ है या नहीं, जस्टिफाइड है या नहीं, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो विद दैट बींग सेड, दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई होप कुछ सीखने को मिला होगा आपको। फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।